क्या छोड़ दे, भेजो ना उसको। तो बहुत ही धैर्य का परिचय दिया और हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का भी हमारे साथ सहयोग रहा। और इसके अंदर इस मैनेजमेंट के लोग अपनी बात से तस से मस नहीं हुए। अब इसके लिए किसान संघर्ष समिति ने फैसला किया है, कल से हम यहाँ बैठ के धरना देना, अनशन करना वो सब नहीं करेंगे, फ्री स्टाइल में काम करेंगे। और या रात को सर्दी मरना या बैठे रहना, इसके लिए नहीं। कल से ऊंट गाड़ा जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है और ये पूरे लोलगढ़ और उदयपुर वाटी के गांवों के अंदर घूमती हुई ये जन जागरण यात्रा जो निकलेगी, इसके अंदर इस फैक्ट्री और मैनेजमेंट के लोग जो किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, डर का माहौल बनाया जा रहा है और लोगों को भयभीत किया जा रहा है और इसके अंदर पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में गांव गांव के अंदर जाके और ये जन जागरण अभियान पूरा एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद में जैसा निर्णय किया गया है, 7 दिन बाद में कौन सी तारीख आ रही है नरेंद्र जी? आज होगी 18 तारीख बार के बुधवार है, ठीक है। तो ये जो अभी आप बैठ के यहाँ यही बैठ के सारे लोगों के साथ और अपनी संघर्ष समिति का आप गठन कर लो और आज से ही कल सुबह से रात से अपनी तैयारी में लग जाओ। और यहाँ इतने लोग आदमी हम भी लाएंगे, आप भी लाना, एक आदमी 50 लोग आदमी को लेके आए इस फैक्ट्री की, एक एक ईंट उठा के ले जाएंगे, इनको पता नहीं चलेगा यहाँ फैक्ट्री थी। जिस तरह से विद्याधर के घर को उठा के ले गए, सीधी कार्रवाई करेगी, सीधी कार्रवाई। न धरना होगा, न प्रदर्शन होगा, न प्रोटेस्ट होगा, न जिंदाबाद मुर्दाबाद होगी। जो भी सिचुएशन में रहेगी, मीडिया के बंधु यहाँ विराजमान है, अब सारे चैनल यहाँ है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। जो भी स्थिति बिगड़ेगी, ये 7 दिन आप से पहले बात करके इस स्थिति का समाधान कर ले, हम उम्मीद करते हैं। ईश्वर भगवान इनको सद्बुद्धि देगा और सद्बुद्धि से ये किसानों का रास्ता निकाल देंगे। और किसानों के साथ हमारे पुलिस के भाई भी हैं, ये भी सब हमारे किसान परिवार से हैं, आपके भी घर है, ये हम में से है, कोई दूसरे नहीं है। लेकिन उसके बाद ऐसा प्रोटेस्ट किया जाएगा, ऐसा प्रोटेस्ट किया जाएगा जो न भूतों न भविष्य के लोग याद करेंगे, इसको याद करेंगे। और वो जो स्थिति भगवान करे वो दिन ना आए, उससे पहले समस्या का समाधान हो जाए। और मैं विद्याधर में भाया और अलग लिया जखान भेज रहा हो गया, बट मैं मारा टावरा लेके मायने क्यों रे, ये कह रहे हैं मैं डील क्यों कर रहा हूं, ये बता रहे पूछ रहे एडिशनल इसमें सब कुछ बोल रहे हो। अरे क्या को पेट्रोल क्या को कैसे मेडिकल करा जना वो ठीक होता जैसे तैसी रहे यार, अपन सल्टा पे लाग रहे भीड़ बजा रहे हैं। तो ठीक है, चल चल आगे दमाल ताल बंदो चेता पहला तो वहां थाल लड़ाई थार से हो गए तो बिजा दर्द हो गए। बातचीत करने के लिए गया था ना, सारे आगे वो क्यों नहीं आया?
किस चीज का मेडिकल करा रहे हो? अरे पेट्रोल डाले कैसा में क्या छोड़ दे, भेजो ना उसको। किसको बावड़ा बना रहे हो? किसको बावड़ा बना रहे हो? पेट्रोल महंगा, पेट्रोल पेट्रोल महंगा उधर से किसने आपने बंद क्यों कर लिया उनको, ये बताओ। भला आदमी है, मान जाए।